इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ गणपत भाई जी हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ हकीम साहब जी। आदाब गणपत भाई। आदाब। वो क्या है कि मेरे मिसेज को हाइपर एसिडिटी है। अच्छा। और कोई भी दवा लेते हैं तो बहुत एसिडिटी होता है, उड़काल बहुत ज्यादा आता है यार, यानी हो या ऐसा बहुत होता है। तो ये बताइए, सोनोग्राफी कराई, कुछ टेस्ट कराया? सोनोग्राफी करवाया था, सोनोग्राफी में ऐसा कुछ बताया नहीं। ठीक है फिर। अच्छा देखिए, अपनी मिसिस को 5 बार गर्म पानी पिलाइए, 5 बार गर्मा गर्म पानी, जितना वो पी सकें। ऐसा नहीं बिल्कुल जलता हुआ हो, लेकिन इतना गर्म हो कि चुस्कियाँ लेकर पिए रोज़ाना 5 बार। और इससे भी अगर कम फायदा हो तो हर गिलास में 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच एलोवेरा का सिरका डाल के पिलाइए 5 बार दिन में। मुझे उम्मीद है जिस दिन से वो शुरू करेंगे उसी दिन से उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी और 1 महीने में उनको फ़ायदा मिलना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं संगीता जी, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी। डॉक्टर नमस्ते जी। आदाब संगीता जी, बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर, मेरे मेरे थायराइड बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत कमजोरी आ रही है। उम्र बताइए संगीता जी। हाँ जी, 45 साल उम्र है। अच्छा देखिए, थायराइड के मरीज खूब गौर से मेरी बात सुने कि उनका थायराइड मुकम्मल तौर पर ठीक होना मुमकिन है। कॉपी पेन निकालिए जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए, धनिया 300 ग्राम धनिया, साबुत धनिया जो किचन में है दाना, वो 300 ग्राम और आंवला, ये भी सूखा मिलता है, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा, ये एक गौंद है थोड़ा महंगा आता है, 100-150 ग्राम इसे मिला लीजिए, पाउडर बना लीजिए खूब बारीक। हर चीज़ अपने घर में पाउडर बनाना और रॉ मटेरियल लेना, ये गौंद मोरिंगा भी रॉ मटेरियल है। इसका सेवन करें 1 चम्मच, 3-4 ग्राम एक छोटा चाय का चम्मच भर के सुबह खाएं। जब आप गोली खाते हैं ना थायराइड की, उसके साथ में या उसके बाद में या उससे पहले गर्म पानी से खाना शुरू करें। दिन में 2 बार खाना है, ऐसी रात को सोते वक्त। अगले महीने से आपका डॉक्टर आपसे कहेगा कि आप ऐसा क्या ले रहे हैं कि आपका थायराइड कम हो रहा है। आप जब टेस्ट कराएंगे, पुरानी और नई रिपोर्ट मिला लेना आप, और फिर हर महीने वो आपकी थायराइड की गोली की पोटेंसी कम करेगा, गोली कम करता जाएगा। और ये जितना मटेरियल मैंने बताया, इसके ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं आरवी शर्मा जी, गाज़ियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी जी। आदाब फरमाइए जी। मेरे को प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, पेशाब की दिक्कत है। ठीक है। एज आपकी 60+ है? प्रॉब्लम है जी प्रोस्टेट की। ठीक है ठीक है। तो देखिए, बढ़ी हुई उम्र में ज़्यादातर लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, जिससे पेशाब की तकलीफ होती है, पेशाब करते में तकलीफ होती है या बार बार पेशाब आता है। ये अमूमन ज़्यादातर लोगों को होता है। इसके फायदे के लिए आपको गौंद मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना, या किसी को ज़्यादा है तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी से बगैर चर्बी के, दूध से या ऐसी खा लें, सब्जी में मिला लें, सालन में अपने मिला लें, रोज़ाना आधे से 1 ग्राम गौंद मोरिंगा खाया करें और आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, आपको फ़ायदा मुमकिन ज़रूर है अगर आप ये नुस्खे अपनाते हैं तो। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, हमारे साथ अनीशा वर्मा जी हैं जम्मू कश्मीर से, स्वागत है आपका। हाँ
हेलो जी जी बताइए अनीशा जी. मुझे जी है तो कफ बनता है, नीचे आती है और कफ बनता है, तो मैंने बड़ी दवाई भी खाई है पर आराम नहीं लग रहा. कफ आता है, बलगम आता है? हाँ बलगम आता है, नीचे आती है, छीके भी आती है. हाँ छीके भी आती है. तो देखिए किसी आरजी तौर पर आता है, यानी अभी आने लगा, पहले नहीं आता था, तो कोई भी दवाई ले सकते हैं. लेकिन जिन लोगों को मुस्तकिल महीनों और सालों से कफ आता है, खांसी आती है, बलगम आता है, छींके आती है, उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी है. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और यूनानी में 5-6 महीने लगातार अगर दवा खाते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है. इस वक्त सब आदमियों को, सब औरतों को, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, इम्यूनिटी की ज़रूरत है. इम्यूनिटी की दवा है माजून आर केयर, एक पेस्ट है. ये सुबह निहार मुँह खाना होता है, सुबह और शाम गर्म पानी से. जो शख्स 5-6 महीने लगातार इसको खाए, उसकी इम्यूनिटी की ज़रूरत पूरी हो जाती है. आज बगैर इम्यूनिटी का आदमी, बगैर क्या कहते हैं हिंदी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के, इस वक्त आदमी जी नहीं सकता, निकल नहीं सकता घर से. जिसमें ये इम्यूनिटी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी. तो इम्यूनिटी हर शख्स को बढ़ानी चाहिए अपनी, अगर हमें सेहत के साथ ज़िंदा रहना है. बहुत अच्छी बात यहाँ पे हकीम साहब ने कही है कि अगर हमें ज़िंदगी अपनी बचानी है तो हमें सेहतमंद रहना होगा, हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखना होगा. तो उसके लिए आप लोग दर्शकों देसी नुस्खे अपना सकते हैं, लेकिन वो देसी नुस्खे कौन से हो सकते हैं ये बात आप लोग जान सकते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ के हकीम साहब से बात करके. इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं. हमारे साथ अशोक जी हैं गाज़ियाबाद से, स्वागत है आपका. नमस्कार जी. जी आदाब अशोक जी, बताइए. हाँ ऐसा है जी, मेरी वाइफ है, उम्र है 54 साल जी, और उनको जो है नींद नहीं आती है, नींद की वजह से वो परेशान है वैसे जी. ठीक है, और कुछ हो, हेल्दी है? हाँ जी हेल्दी वगैरह है, गैस होती है? हाँ थायराइड वगैरह है. थायराइड है, ठीक है. अच्छा देखिए मैं एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ आपको जो इनकी थायराइड में और बड़ा अच्छा काम करेगा, और वो ये है कि धनिया, जो आपके किचन में धनिया है, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और गौंद मोरिंगा 100 या 150 ग्राम, इन सब को लेकर पाउडर बना लें. लेकिन सब रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया कुछ भी मत लेना. अपने घर में पाउडर बना के थायराइड की गोली भी देना, और एक चम्मच सुबह उस थायराइड की गोली के साथ, उसके बाद या उससे पहले एक बार देना शुरू करें. और ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया है, इसके ख़त्म होने से पहले उनका थायराइड अच्छा होना मुमकिन है. चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं सोम बाला जी पानीपत से हमारे साथ, स्वागत है आपका. जी हेलो. नींद के लिए मैडम? नींद के लिए, वैसे तो इसी से नींद ठीक हो जानी चाहिए. रात को सोते वक्त, जब आप का सोने का टाइम एक माहौल होता है, बत्तियां गुल कर देते हैं, बच्चे भी कमरे में सोने को लेट जाते हैं, उस वक्त दो चम्मच टीस्पून एलोवेरा का सिरका पानी में डाल के उन्हें पिलाया करें, बस दो चम्मच. ऐसा गफलत की नींद आएगी और बहुत सुकून मिलेगा, और पेट भी बहुत अच्छा रहेगा, और लीवर भी बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत सारे फ़ायदे करता है ये एलोवेरा का सिरका. आप इसे इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है उनको पहले दिन से फ़ायदा होना मुमकिन है. तो चलिए ये आप उपचार कर लीजिएगा, जो देसी नुस्खे अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं, देखिएगा पहले दिन से ही फ़ायदा होने लगेगा, और फ़ायदा निश्चित ही आपको होगा. और जब फ़ायदा हो जाए तो इसी कार्यक्रम में आप अपनी फीडबैक कॉल ज़रूर दीजिएगा.
चलिए आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? संजय कुमार, बिहार से। जी संजय जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मृत्युंजय जी नाम है मेरा। जी जी जी, हमको पेट में गैस की समस्या है बहुत ज्यादा। सिर भी पकड़ लेता है गैस से। अच्छा, कुछ जांच कराई है पेट की? जी, सीटी स्कैन भी कराए हैं, एंडोस्कोपी भी कराए हैं, सब कराए हैं, कहीं कुछ नहीं निकला। ठीक है, देखिए क्यों ना मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूं कि अगर आज आप लें तो आज से ही फायदा शुरू हो जाए। देखिए, देखने में ये एक लिक्विड है और ये लिक्विड है एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका 2 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर पी लिया करें रोज़ाना, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 चम्मच शाम को भी पी सकते हैं, लेकिन गर्म पानी 5 बार पीना है आपको। गर्म ऐसे गिलास भर के गर्म पानी जो चुस्कियाँ लेके पीजे, जैसे चाय की तरह लेते हैं ना, इतना गर्म हो। जिस दिन से और जिस वक्त से शुरू आप करेंगे उसी वक्त से और उसी दिन से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इसके साथ ही नेक्स्ट कॉलर हैं आर बिहारी जी, गाज़ियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, प्रश्न कीजिए अपना। मैडम, मेरी एजेंसी से बात करा दीजिए। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ बिहारी भाई, बताइए क्या सवाल है? आदाब जनाब। आदाब आदाब भाई साहब, मेरी एज 77 है। अच्छा, मेरी उम्र जो है 77 की हो गई सर। मेरे को प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पेशाब नहीं आता बिल्कुल भी। मेरी नली लगा रखी है, 6-7 महीने हो गए। ठीक है जी सर। कोई है आपके साम पास में तो लिख ले, आपकी समात में सुनने में भी फर्क हो सकता है। देखिए, 2 दवाइयां हैं जिन लोगों को भी, और 70+ लोगों को ज़्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, कैप्सूल पी केयर आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाइए, और एक रॉ मटेरियल आता है या वो लीजिए। ये जो सिरका है, जैतून का सिरका दिन में 2-2 चम्मच 2 बार लीजिए, आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं सोमबाला जी, पानीपत से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, बताइए। मेरी उम्र 62 साल है जी। जी जी बताइए। मेरा ना सफेद पानी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो भी स्त्री या पुरुष, उनको सफ़ेद पानी, आसान जबान में कहते हैं, हमारी जबान में वाइट डिस्चार्ज या धातु का गिरना, तरह तरह के, जेंट्स हो या लेडी हो, मेल हो या फीमेल हो, उनको चाहिए कि 0.5 ग्राम गौन मोरिंगा और 0.5 ग्राम इसबगोल की भूसी, इनको पीस लें। ऐसे 100-100 ग्राम खरीद के पाउडर बना लें। एक तो पाउडर ही होता है, भूसी इसबगोल सभी जानते हैं, पाउडर होता है, और 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, 100 ग्राम गौन मोरिंगा, ये भी सफ़ेद होता है, तो 1 ग्राम दोनों को मिलके पिसाई करें, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम पानी में मिला के, बगैर चर्बी के दूध में मिला के लें। आपकी उम्र अच्छा खासी है, यंग बच्चियां या बच्चे हों तो दूध में मिला कर ले सकते हैं चर्बी वाले। जो 40-50 साल से ज़्यादा के हैं वो बगैर चर्बी के दूध में लें या पानी से लें। 1 माह तक लेंगे तो आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है। चलिए, तो आपका ये रोग ठीक भी हो जाएगा, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, फिर आपको कभी भी दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा।
देखिए दर्शकों, एक बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, किसी भी दवाई का अगर आप सेवन करते हैं और आपको जो हकीम साहब यहाँ पे घरेलू नुस्खे बताते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि उस दवाई का सेवन नहीं करना है। धीरे धीरे करके आप वो दवाइयाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको आराम मिलना शुरू हो जाए, जब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाए, लेकिन एकदम से दवाइयाँ बिल्कुल मत छोड़िएगा। और जिन लोगों को कह दिया गया है कि आपका रोग तब ऑपरेशन से ही ठीक होगा, तो एक बार रुक जाइए दर्शकों, एक बार ठहर जाइए, आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए, देसी नुस्खे अपनाइए, फिर देखिएगा क्या पता आपको ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ कृष्ण गोपाल जी हैं झांसी से, स्वागत है आपका। नमस्ते भैया, नमस्ते जी। नमस्ते साहब जी, जी आदाब। नमस्ते साहब, हम ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपको जो छाले पड़ जाते हैं बदन में एक साइड में और थोड़ा सा चने की दाल के बराबर होता है, वो एकदम से बन जाता है, पानी निकलता है और बड़ी जलन देता है और लगभग 7 दिन में ठीक भी हो जाता है वो, लेकिन उसकी जलन आंतरिक बनी रहती है। और हमारी मिसेज को था तो वो आज भी ऊपर से तो ठीक हो गया, लेकिन अंदर से वो जलन उनको आज भी महसूस हो रही है, कम से कम 6 इंची का एरिया घेर रही है। ठीक है, हाँ देखिए ये तरह तरह की बातें होती है, कोई कहता है कि वो नाकफनी आ गई, कुछ हो गया, ऐसा हो गया, ये एलर्जिकल मर्ज है जो स्किन के अंदर होता है और वो छाले से होते हैं, बड़ा जलन होती है और वो ठीक भी हो जाते हैं एंटीबायोटिक दवाइयों से, फिर भी जलन रहती है। तो इसके लिए देखिए जैतून का सिरका, जैतून ऑलिव को कहते हैं, ये जो जिसका तेल भी आता है ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव का सिरका भी आता है, हम लोग उसे आसान जबान में जैतून का सिरका कहते हैं। ये अरब ममालिक में जैतून पैदा होता है, यहाँ भी मिलता है। तो जैतून का सिरका आप रात को वक्त 2 चम्मच पानी में मिलाकर रोज़ाना पिलाया करिए, मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है।